फैक्ट नंबर वन, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का दम दिखाने वाली प्रियंका चोपड़ा अब मां बन गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रियंका चोपड़ा की प्रेगनेंसी की कोई भी फोटो सोशल मीडिया पे आई ही नहीं, तो फिर अचानक से प्रियंका चोपड़ा मां कैसे बन गई? दरअसल प्रियंका सरोगसी के जरिए मां बनी है। सरोगसी में कोई भी कपल अपना बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी दूसरी महिला का कोख किराए पर ले सकता है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले कई बॉलीवुड एक्टर्स भी सरोगसी के जरिए बच्चा पैदा कर चुके हैं, जिसमें प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी, करण जौहर, एकता कपूर, शाहरुख खान, आमिर खान और तुषार कपूर जैसी बॉलीवुड हस्तियां शामिल हैं। चलो, प्रियंका जैसे भी मां बनी हूं उनको हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगली वीडियो में फैक्ट नंबर टू, मंदिर में चढ़ाए गए फूल अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन किसी के लिए वो कचरा है तो किसी के लिए बिजनेस का आइडिया। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। कानपुर के अंकित अग्रवाल ने ऐसे ही कचरे के फूलों से अपने बिजनेस का आइडिया निकाल लिया। उनके स्टार्टअप का नाम है फूल। अब ये करते क्या है, उनके आइडिया को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मंदिर में चढ़ाए गए फूल जो कि अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं, उनको ये लोग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उन्हें प्रोसेस करने के बाद बहुत अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाई जाती है। अब ये आइडिया इतना फैंटास्टिक क्यों है, क्योंकि ये दो सॉल्यूशन देता है। पहला तो फूलों का कचरा कम हो गया है, और दूसरा उसी से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। गाइज, आपको ये स्टार्टअप आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। फैक्ट नंबर थ्री, एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया, लेकिन जैसे वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गाइज, आपको ये सुनकर कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में।